हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मैथी जमाने जा रहे हैं, जिसी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग में तक बने रहें। मोटी मारक मेथी बा दिखाऊ मांग के कंडीशन है। मोटी बा ने एक्सपेरिमेंट किया मांचा खड़ा करके। मां मेथी की काम है मांचा कुड़ियो के या बेट कितना एक्सपेरिमेंट करा मारक मेथी बा आज बहुत तेज बारिश आवे जुगाड़ सिस्टम है आज में मेथी जमा देसी आ मेथी है रात में दूध भी वो छोड़ दी पहला मैं तुम्हें बता दिए कर देसी तरीको है जुगाड़ी मापड़ा छोड़ देगी गलियां गई और बता दी सुनने। तो अब इसमें हमने घी डाला था, तो ये मेथी आप भी इसे भून देंगे, ये घी छोड़ देगी, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, फिर हमें पता चल जाए कि क्या है। तो मैं छोटे छोटे क्लिप आपको शेयर कर दूँगी, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा घी छोड़ रही है मेथी। आप इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ऐसे, फिर ये लाल लाल रंग होने लगेगा इसका, पक जाइए तो पक गई है लगभग 70% पक गया, 30% कम गए, 100% ओके। देखो मेथी अभी फाइनली कुक हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है। इसके अंदर तो बाद में फिर मैं थाने लोगों को दिखाऊंगा सारा ने, और अभी मैं बाहर जोड़ दूंगा बहुत लाने। हम लोग तो ये देखो मैं आऊँ एक मिनट। ये देखो मेथी हाई में निकल आगे निकाल लियो। पानी से निकल जाती है तो पक्का घी ज़्यादा पानी से नहीं हो पक्का घी ज़्यादा तो किस किस को मेथी पसंद है जमाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कन्या तो ना जागते हो यहाँ घी छोड़ दे ओके। देखो बेस्ट सन मैं पीछे चीना को आटो यानी कि छाने
ਕੀ ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਫੀਡ ਸਨ ਕੱਢ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੱਟੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ देखो ये फिर से हमने इसी कढ़ाई में घी डाल दिया और ये बेसन और मूंग का आटा इसके अंदर डालेंगे अभी थोड़ी देर चलाएंगे गेहूँ का आटा कनक को एक तो सिरूर बना लिया पापा वो तो थोड़ी देर ज़्यादा ले पकड़ में आटा जल्दी पक जाए तो सिरूर पे लगा ले ओके हमारे लिए पीस ले लेंगे ओके मैं दिखा दी हूँ अमून पीस लेते हैं ठीक है थोड़ी देर पकाते हैं फिर बात करूँ दिखाते हैं ये देखो ये गूंद आ गई ऐसा है गूंद कुछ फिर मैं इसे पीस लूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा हो जाता है डाल लेंगे इसके अंदर बादाम डाल लेंगे काजू भी डाल लेंगे इसके अंदर ये सारा कुछ मैं पीस के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी ये पीस के डाल लेंगे ड्राई फ्रूट भी सारी किशमिश नहीं पीस के डालेंगे ये दोनों बादाम और ये खारक पीस लिए ये देखो और ये देखो गट पीसी हुई है सुक्का नारियल सुक्का करड़ा नारियल ये और ये मेथी और ड्राई फ्रूट पीस लिए मैंने ये देखो और किशमिश नहीं पीसी किशमिश हाँ नहीं तो मैं पीस दी और मैं तुम्हें ना बताओ और पीस जाए कौन तो मैं पीस दी और सागे अभी इसके अंदर खोपरा डाल देंगे केक सो हर लम में बोले बच्चे कौन से वाले पापा तो केक काट दे बुट्टो और लिए शायद के बस बोल नहीं ने खा है डाल लिया अभी इसके अंदर ये हम क्या नाम है इनको खारक 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 ऐड करेंगे घुमा के गिर ओके और तो सारा काम सही ओके हो तो ऐसे ये देखो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बारिश साज रुकने का नाम नहीं ले रही थोड़ा थोड़ा दे रही आती रह रही बारिश का मैं तक देखो तो मैं बना के रहा आज मण गई अब तो बना के रहा आज मुझे ठंड बकती है तो पापा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स तो ये देखो ये बन चुका है और इसे प्रात के अंदर निकाल रहे हैं अभी फिर से ये गाली अपनी मेरे लिए जमावना बंद रहा है जमावना इसे जमावना बोलते हैं तो मैं कहता से बना रही बस कोई नहीं करा उसका था तो बस कर दी बना ली कौन डालूंगी छोटी हाला इसके अंदर देखिए काटा डाल रहे हैं थोड़ा ही डाल के बोला थी कर लेंगे इसमें हम गूंद को फ्राई करेंगे गूंद को ये मेरे लिए नहीं बन रहा था क्या मेरे लिए बाद में आटा ये भी है सुबह खा ले प्रात का प्रात तो इस तरह से पका के इसके अंदर हम गूंद डालेंगे आपके इसके अंदर हम कितने वाले डाल देते हैं बहुत दिक्कत है वो पिंजरे में बना के ये नई ट्रिक है डाल दो इसके अंदर भी ये पापा को दे दो ये पापा टेप चलाया मम्मी डाला है तो देखो आटा भुनी चुका है अभी
इसके अंदर गूंद डालेंगे, इसे गूंद गिरने से पानी से पक जाता है। पीस लिया था हमने गूंद, फुल्ले बना के फुल्ला बना के ना वो भी बहुत दिक्कत हो। अभी यहाँ सही रहा कुछ आधा को बैठ जाने इसे निकाल लेंगे बारिश के अंदर, और सामान बनाएंगे तो निकाल देते हैं। पक चुका है अभी गूंद। ओ देखो मेथी मुथी गूंद गांद सारो की ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारो की मिक्स करके एक मां अब ये मां चीनी डालना डाल दो डाल दे तो आप सब ये वाली पिंडी जरूर खाने आ सकते हो क्योंकि बहुत दिन चलने वाले हैं तब। और किसी को मैत्रेय ना पसंद हो तो वो मत आना फिर वो मेरे वाले खाने आ सकता है वैसे। तो बोल रही हूँ बताना देखो कंदू। अरे फिर वो अपना सामान लेके आएगा ऐसे साबुत बना के लेंगे तो करेगी ना। तो अभी मैं इसे मिक्स होने वाले पिंडियाँ बनाएंगे तब आप लोगों को दिखा दूंगी। तकरीबन डेढ़ किलो खंड। ओके तो फाइनली लड्डू बनने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो ये देखो वोटी भाभी यहाँ पे कुछ बना रही है और इन्होंने भी हमारे प्रयास कर रखा आज बारिश आ रही है। ओके हटे ना के कर माय के सिंस के माओ के ना खस 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 खस। अब मैं तिबुंद्रा की यहाँ भी और वो क्या आई वहाँ और इनके क्या है खार कर को प्रा सारू की इसकी तैयार कर रखे है और आटो बुंदे अभी इधर वाटी वहाँ कुक उधर मेरी मम्मी और पापा कुक सभी हमारे घर के कुक कुक हैं। ओके वाटी वहाँ बना लो फिर मिलेंगे।